वैसे तो ये मेरे द्वारा नहीं, शासन की पहल है, शासन का आदेश के हिसाब से किया जा रहा है। अलबत्ता ये है कि हर मरीज को भर्ती के साथ एक पास दे दिया जा रहा है और केवल पास वाला व्यक्ति ही अंदर जाने पाए, इस तरह के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। कुछ लोग फिर भी घुस ही जाते हैं, चाहे वो जिद करके, चाहे बदमाशी करके। बहुत से लोगों को हमारी सिक्योरिटी रहने के बावजूद मैंने आज राउंड में पाया कि कुछ लोग एक्स्ट्रा थे, लेकिन पहले से भीड़ 80% कम है। सर, ये उद्देश्य क्या है पर्ची का? देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर मरीज हमारे पास जो होते हैं वो किसी न किसी इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। जब उनके पास भीड़ जाके बैठती है, भीड़ का और कोई मकसद नहीं होता। अगर भीड़ से कहो भैया एक बोतल खून दे दो मरीज के लिए, तो 90% भाग जाते हैं। भीड़ जो है सिर्फ मिजाज पुरसी के लिए आती है और इन्फेक्शन फैला के भाग जाती है। सर, ये पर्ची कहाँ से निर्गत होती है? इन्हें चेक करने का किसके पास अधिकार है? ये जहाँ भर्ती होता है मरीज, जहाँ BST बनती है, भर्ती की फाइल बनती है, वहीं से मैंने पास देने के आदेश निर्गत किए हैं। और एक भर्ती की फाइल पे एक ही पर्ची मिले, ऐसा मैंने आदेश। चेकिंग का अधिकार किसको है सर? पर्चियों का, पर्चियों की चेकिंग का अधिकार किसके पास? चेकिंग, पर्ची जो चेक करें, चेक के लिए देखिए, सिस्टर ऑफ द वार्ड जो है अस्पताल में वार्ड की व्यवस्था देखने के लिए है। और अगर सिस्टर के पास, चूँकि बल प्रयोग के तो अधिकार है नहीं, अगर सिस्टर नहीं रोक पाती है तो सिक्योरिटी को बोले, सिक्योरिटी वाले अपने आप उसको देखेंगे।